पहले लेंथ आ गई 39, उसके बाद हमारा वेस्ट है ये कमर है 33 1.4 सवा 33, और ये हिप आ गई 40, और ये 24.5 था ये, इसकी हिप ज़्यादा थी, और ये 17.5 नी है, और 13 उसको बॉटम है, नीचे मोरी है, और 25.5 ऑलराउंड फोग है उसका। तो कटिंग करते हैं, बने रहो तभी मालूम पड़ेगा, और जिसको मालूम है तो प्लीज़ जा सकते हैं। रख दे स्टार्ट। चलो स्टार्ट किया। तो भाई ये हम लोग मेजरमेंट टेप रखेंगे, 1 इंच निकाल के बेल्ट का, 1 इंच निकाल के, 1.5 इंची का बेल्ट रहता है, 1/2 इंची का मार्जन, तो 1 इंची निकाल देंगे हम लोग, और उसके बाद हम लोग कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। जिसको कुछ डाउट रहे वो बाद में कमेंट करके पूछ सकता है, नेक्स्ट वीडियो में उसको समझा दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका फोग रखेंगे 9.5 इंच, 10.5 रखेंगे, ठीक है। 39 लेंथ है तो 39 ही रखेंगे, 39, और 3.5 इंची का फोल्ड, इसके जिसमें तुरपाई होती है ना हमारी, फोल्ड जो रहता है, मार्जिन एक्स्ट्रा जो रहता है, वो 3.5 इंची रख देते हैं। कुछ लोग 4 इंची भी रखते हैं, कुछ लोग 3 इंच भी रखते हैं, हम 3.5 रख लेंगे, बाकी तुम अपने हिसाब से रख सकते हो। जो इसका नी का निशान लगाएंगे, घुटने का जो निशान लगाएंगे, वो इस प्रकार लगाएंगे, इसका हाफ करेंगे पहले हम लोग। कुछ लोग अलग अलग हिसाब से लगाते हैं, तो आपको सबसे ईजी बताता हूँ मैं कैसे लगाने का घुटने का निशान। 39 का हाफ होता है 19.5, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे हम लोग, बराबर आएगा। जो लोग जैसे लगाते हैं उनका भी सेम ही आता है, लेकिन क्या बस समझाने का तरीका अलग अलग रहता है। ये हम लोग निशान उठा लेंगे जो हम लोगों ने नी का, बॉटम का और फोग ऑलराउंड का निशान लगाया है, वो हम लोग सीधे निशान उठा लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ एक निशान लगा लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे हमारा हिप कितना है। तो हमारा 40 हिप है, 10 रखेंगे, और उसके बाद 2 इंच, ये पहले हम रखेंगे 10 इंची, फिर उसके बाद 2 इंची रख लेंगे, 1.5 इंची बैक करेंगे, और उसके बाद ये सेंटर कर लेंगे हम लोग ऐसे, सेंटर के बाद नापेंगे कितना आ रहा है, 7.5, फिर हम लोग 1/2 इंची कम करके रख देंगे यहाँ पे, उसके बाद नज़दीक आना, फिर बॉटम नापेंगे, बॉटम कितना है, तो 13 है इसका बॉटम, तो 13 रख देंगे सेंटर करके, रोक दे। फिर हम लोग मेज़रमेंट की मदद से ऐसे करके इस निशान से और इस निशान को ऐसे मेजरमेंट टेप रखेंगे, और ऐसे निशान लगा लेंगे अंदर की साइड, ठीक है। फिर एक इस साइड भी रखेंगे ऐसे ही, ऐसे ओके, ऐसे निशान लगा लेंगे। उसके बाद नी देखेंगे कितना आ रहा है, 17 आ रहा है, 17.5 है, मतलब बैक में जाके कवर हो जाएगा, 17.5 ही आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये निशान सीधा उठा लेंगे हम लोग, और उसके बाद ये वाली सेफ पट्टी लेंगे, यहाँ से यहाँ तक सीधा रहना चाहिए, और उसके बाद यहाँ आके शेप अपने आप खुद शेप ले लेगी सेफ पट्टी, ये नहीं हटना चाहिए, टेढ़ा भेड़ा नहीं होना चाहिए, नज़दीक से होगा। और उसके बाद यहाँ पे भी सेम, जितना उधर रखा है इतना ही ऐसे इधर शेप पट्टी रखने के बाद, यहाँ से यहाँ तक सीधा रहना चाहिए, यहाँ तो खुद राउंड ले लेता है वो। अब हम लोग बैक काट रहे हैं, तो ये पहले सबसे पहले सीधा निशान उठाएंगे हल्का सा, फिर 2 सूत ऐसे डाउन कर देंगे नज़दीक से दिखा, फिर उसके बाद नी का निशान उठाएंगे ऐसा सीधा, फिर बॉटम का निशान उठाएंगे ऐसा सीधा, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे 1.5 इंची का निशान लगाएंगे, क्योंकि अभी तुम्हें नाप के दिखाता हूँ मैं, 13 बॉटम आ जाएगा, मतलब 13 बॉटम है, ठीक है। जैसे यहाँ से नापेंगे मार्जिन छोड़ के, ये
7.4 आएगा, सवा सात आएगा, ठीक है, सवा सात। फिर यहाँ पे रखेंगे हम, यहाँ पे सवा सात, यहाँ पे मार्जिन आ जाएगा, तो 13 हमारा बॉटम आ जाएगा। यहाँ रखेंगे हम 2.25, नहीं हमारी 17.5 है, 10 नहीं हमारी 17.5 आ जाएगी, 17.5, 17.5 हमारी नहीं है। और उसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे हमारी 24.5 हमारी थाई है, तो 2.5 इंची रखेंगे यहाँ पे। और उसके बाद ऐसे भी निशान लगा सकते हो एक आइडिया से, 2.25 ऐसा रहना चाहिए। और एक चीज़ और, ऐसे ऐसे भी लगाते हैं निशान यहाँ से, जैसे अब नीचे यहाँ से निशान लगाओगे, यहाँ से जितना आ रहा है, जितना आ रहा है मतलब 20.5 आ रहा है, तो इधर 1/2 इंच, 1/2 इंच एक्स्ट्रा आना चाहिए ऑल राउंड के लिए, तो ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है, सही आएगा। उसके बाद निशान लगा देंगे इसी शेप के हिसाब से, और यहाँ पे भी निशान बैक का लगा देंगे। और उसके बाद कमर हमारी जो है, यहाँ पे जितना वेस्ट है इतना रखने के बाद 1.5 इंची एक्स्ट्रा रखेंगे, 1 इंची का हमारा जो डट आता है बैक पॉकेट, बैक में डट डलता है, तो यहाँ पे डट आ जाएगा, और 1/2 इंची मार्जिन आ जाएगा, 1/2 इंच मार्जिन आ जाएगा, और 1 इंची का डट आ जाएगा, तो कमर से ही आ जाएगी, और जितना ही पे हमारा उसके हिसाब से आ जाएगा हमारा। हमारा हिप है, हिप से जितना हिप है, जैसा अभी हमारा 10x40 हिप है ऐसा मान लो, तो 40 का हम लोग 1/4 इंच एक्स्ट्रा करके रखेंगे, क्योंकि मार्जिन भी आ जाएगा ये साइड से, और थोड़ा सा 1/2 इंच ऐसा 200 लूजिंग भी आ जाएगा, तो 1/4 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और बाद में ये सारे निशान हम लोग उठा लेंगे। जिसे फटी, जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही रखने का, यहाँ से यहाँ तक सीधा रहेगा, बाद में ये खुद सेटअप कर लेता है ऐसे। और उसके बाद ये ऐसे निशान लगाएंगे, ये हमारा पूरा शेप आ गया, पूरा शेप। ये हमारा सेंटर हो गया, पैंट कट रही है। इधर ज़्यादा शेप भी नहीं रहना चाहिए, एकदम राउंड नहीं रहना चाहिए, उससे क्या हमारी पैंट ना पॉकेट के पास फूलती है, क्योंकि इतना शेप यहाँ पे बैठता नहीं ना जल्दी, तो फूलती है, तो फिर वो एक अजीब ही हो जाता है पॉकेट के पास, अल्ट्रेशन मारता है, तो इसलिए। और यह नीचे से भी बराबर कर देंगे हम लोग। तो भाई कैसी लगी कटिंग, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे अगर किसी को कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकता है। ओके, थैंक यू।